हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और मैदानी इलाकों में इन दिनों ठंड ने आमजन का जीना मुहाल कर दिया है। सरकार की तरफ से इन मुश्किल दिनों के लिए सभी अस्पतालों में हीटर मुहैया कराए गए हैं, लेकिन झज्जर के सरकारी स्कूल का हाल बेहाल है। यहां अस्पताल में बच्चों के वार्ड से हीटर गायब है और अस्पताल का स्टाफ हीटर पर अपने हाथ सेकते हुए दिखाई दे रहा है। मीडिया कर्मियों ने जब अस्पताल के अंदर जाकर उसके हालात जाने तो प्रशासन के इंतजामों के पोल खुल गए। मीडिया कर्मियों ने इसकी शिकायत जब एसएमओ से की तो उन्होंने इसका संज्ञान लेने की बात कही और कर्मचारियों को जच्चा बच्चा वार्ड में तुरंत बिजली हीटर उपलब्ध कराने के आदेश दिए। अच्छा, और कमरों में तो लगे हुए हैं? और वो पता नहीं, वैसे अंदर तो है स्टाफ, मेरे रूम में तो है पर बाहर नहीं है। स्टाफ वाले सेकते हैं आप? अंदर तो है, वैसे सेक है, मतलब कुछ कर, मतलब जान नहीं है। स्टाफ वाले तो सेक हमारे साथ, हमारे साथ के लिए भी नहीं है। सर्दियों में बहुत जरूरी ये है कि हीटर की बहुत जरूरी आज के मौसम में, तो बीमार पेशेंट आते हैं तो उनके लिए जो मेन मेन हमारे जो SNCU है, जो बच्चे एडमिट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे एडमिट होते हैं, और लेबर रूम है या डिलीवरीज आती हैं तथा इमरजेंसी में पेशेंट आते हैं, ये तो बहुत इन वार्डों में तो बहुत ही जरूरी है हीटर की। तो ऑलरेडी हमारे पास पहले ही हमने हीटर लगा रखे हैं, हमने और भी हीटर मंगवाए हैं। SNCU में पहले हीटर मौजूद हैं, लेबर रूम में 9 हीटर पहले थे, 10 हीटर और मंगवाए हैं। इमरजेंसी में 2 हीटर हैं और भी हीटर मंगवाए हैं ताकि पेशेंट को, बच्चों को, बूढ़ों को, किसी पेशेंट को कोई तकलीफ ना हो। झज्जर सरकारी मेडिकल में है या और जगह भी हीटर लगाए गए हैं सर? पता है मेरे को झज्जर सरकारी हॉस्पिटल में पता है। तो पूरे जिले में लगाए हैं? पूरे जिले में लगाए हैं? पूरे जिले में मेडिकलों में लगाए हैं, जैसे बहादुरगढ़ पूरे जिले में लगाए।